हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश कुमार है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरीज का सेकंड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर हमने सेट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो उसके कुछ प्रूफ्स पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसमें हम इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम्स और उनके बारे में प्रूफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है फ्रेंड्स? फोर सेट ए बी इन अ सेट एक्स, यानी कोई एक सेट है, मतलब सेट एक्स है कोई इस तरह से, ये एक एक्स सेट है। इस सेट में कोई दो सेट है ए और बी, ए बी, ये ए बी या तो यूनियन हो सकता है, उस टच कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उन सभी पे ये प्रॉपर्टीज लागू होती है हमारे पास। इफ एक्स माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, उसे या इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकेंड है एक्स माइनस ए यूनियन बी बराबर एक्स माइनस ए यूनियन एक्स माइनस बी, और ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। फ्रेंड्स, पहले इसमें माइनस साइन को डिफाइन कैसे करते हैं सेट थ्योरी में? सपोज हमारे पास इस तरह से कोई एक सेट है, यहाँ पे ये एक्स सेट है और ये ए सेट है। तो अगर हमें डिफाइन करना है x माइनस ए, तो x माइनस ए का मतलब है ऐसे सेट x में ऐसे एलिमेंट x के जो x बिलोंग्स टू x करते हो बट x नॉट बिलोंग्स टू a। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे, जो मेंबर होंगे, उनको हम कहेंगे x माइनस ए के एलिमेंट। तो इस तरह से हम x माइनस ए को डिफाइन करते हैं इसमें। अब इसको इनके प्रूफ पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास x माइनस ए यूनियन b बराबर x माइनस ए इंटरसेक्शन x माइनस b, ये हमें